हाँ तो नमस्कार भाई, स्वागत है। मैं हूँ सुनील और अभी हम यहीं यार्ड में, और देख सकते हैं यार्ड में हम लगातार आप लोगों को हम वीडियो बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि बहुत सारा गाड़ी जो है नीलामी में आ रहा है और नीलामी हो रहा है। और अभी ऑटो रिक्शा हो या तमाम तरह की गाड़ियाँ हो वो है, और यहाँ पर हम लिस्ट लेकर इसमें बहुत सारा जो ऑटो रिक्शा है उसको हम ढूँढ रहे हैं, और बहुत सारा गाड़ी है जो नीलामी के लिस्ट में है। तो आप कम से कम भाव में जो है इस तरह से गाड़ी जो है, बहुत सारा गाड़ी है, बहुत सारा गाड़ी हम सारा दिखाएंगे हम आपको, कौन कौन गाड़ी रहेगा पूरा ज़रूर देखिएगा लिस्ट में, परिवहन इस तरह लिस्ट में है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा गाड़ी है और आपको दिखाते हैं। तो जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी मोतिहारी स्टॉक यार्ड से हैं। तो भाई मोतिहारी यार्ड में हम आ चुके हैं और यहाँ पर ऑक्शन लगभग शुरू हो गया है। भाई लोग आ गए, कहाँ से आए आप? मोतिहारी से बड़ा बड़ियारपुर। बड़ा बड़ियारपुर जी, नीलामी हो रहा है ना? जी हो रहा है। देखिए क्या होता है कि जब तक हम लोग नहीं आते हैं नीलामी में, आपको यार्ड के बाहर आप लोग को इंतजार करना है। सर का नंबर रहता है, आप लोग बात कर लीजिए। हो सकता है कि अभी बारिश का समय है, मौसम चल रहा है, तो होता क्या है कि थोड़ा लेट सेट हो सकता है। तो आप लोग अगर आइएगा नीलामी में, तो नीलामी में इस तरह से आप लोग को लिस्ट मिल जाएगा। अब क्या है कि टाइम जो दिया जाता है, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है टाइम, तो आप लोग यार्ड के बाहर जो है आकर रुकिए। क्या है ना कि यार्ड के भीतर जो है आना आम लोग के लिए अलाउड नहीं होता। जी जी, बिना पास के या बिना कोई अप्रूवल के, बिना कोई फाइनेंसर के अप्रूवल के या बिना पास के इस यार्ड में आना अलाउड नहीं होता है। तो आप लोग आइए, गार्ड से पूछ लीजिए। अगर गार्ड अगर बोलते हैं कि हाँ बाहर आप लोग इंतज़ार करिए, तो आप लोग बाहर इंतज़ार कीजिए। जब तक जो फाइनेंसर आते हैं तब फाइनेंसर आएंगे, फिर उसके बाद में यार्ड खुलेगा, फिर यार्ड में आप लोग फिर आप आइए यार्ड में। तभी आने के बाद में आप लोग गाड़ी देख पाइएगा, न तो बिना किसी परमिशन के, बिना कोई पास के आप लोग को यार्ड में एंट्री नहीं मिलेगा। अब यार्ड में नहीं एंट्री मिलने का रीज़न हम आपको बताते हैं कि क्या कारण होता है यार्ड में आपको एंट्री नहीं मिलता है, आम आदमी क्यों नहीं डायरेक्ट यार्ड में आ सकते। क्योंकि यहाँ पे कई सारी कंपनियाँ का आपको यहाँ पर गाड़ी लगा होता है। बात करें कि इसमें टाटा फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, L&T, HDFC, IDFC, बहुत सारी कंपनियाँ का इसमें जो है गाड़ी खिंचा कर आती है। कुछ का EMI पेंडिंग रहता है, उसका रहता है, कोई बताते हैं कोई अपना गाड़ी को लेके भी जाता है। जैसे गाड़ी आया, ये जिसका भी गाड़ी होगा, अब ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी नीलामी होगा, ये गाड़ी जिस पार्टी का होगा वो पैसा देकर गाड़ी को लेके भी जाएगा। तो इसलिए यार्ड में आप लोग आइए, तो यार्ड के बाहर आप लोग इंतज़ार कर लीजिए। बाकी जो भी रहेगा दिखाएँगे ज़रूर हम आपको, देख लीजिए। तो देखिए ये तीन वो गाड़ी है, एक प्लेटिना गाड़ी और भी है, दिखा रहे हैं आपको। एक ये प्लेटिना है, और एक ये पल्सर है, और एक ये NS 125। ये तीन गाड़ी यहाँ पर हैं, तीनों गाड़ी अप्रूवल में है। मैं अप्रूवल में बोली दे सकते हैं, बिड इस पर सबमिट कर सकते हैं। बिड सबमिट के लिए सर का नंबर है, कॉल कीजिए और अपना बिड सबमिट कीजिए। लगा हुआ है विकास पार्किंग यार्ड मोतिहारी में। तीन गाड़ी है, तीनों गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी है। आगे पीछे बाहर भीतर सारा से देख लिए, जो भी आपको उचित दाम लगे उतना दाम आप दे सकते हैं। देखिए गाड़ी चला हुआ मात्र 26,000 गाड़ी ये चला हुए हैं, बाकी सबका तो डिजिटल मीटर है। बढ़िया गाड़ी है, प्लेटिना भी सही गाड़ी है। देखिए एक ये भी गाड़ी है, 22 मॉडल गाड़ी है, NS 160 पल्सर। गाड़ी नंबर देख लीजिए, 0924। देखिए 0924 1255 लॉट पे है। और दिखाते हैं, भाई खोज रहे हैं, सारा भाई खोज से निकाल दिए गाड़ी। ये कौन है? ये वाला है ये भाई, ये नंबर वो हमारा पढ़े पढ़े पढ़ समझ में ना आता है। हाँ अच्छा, 2732। देखिए बिहार ये गाड़ी है, 76। ये भी पल्सर है, 150 पल्सर। ये कौन है? अच्छा ये वाला है, 76-36। देखिए ये वो ये गाड़ी है, 76-36।
ये तो है ये है, और एक वो सिटी 100 वो है ये है, ये बाकी सब गाड़ी है ये है। ये डिस्कवर है, ये सिटी 100 है, देख के बिड सबमिट कीजिए और आइए लीजिए गाड़ी सब।